गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक फाइबर होता है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, यानी कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसलिए इसको एक्रिलिक बोलते हैं। ये एक फाइबर है, एक्रिलिक फाइबर ही बोलते हैं इसको। ओके, ये जो है अगर बिल्कुल देखने में ऊल की तरह, यानी कि ये अल्टरनेटिव होता है ऊल का, ऊन का अल्टरनेटिव होता है कुछ डिसएडवांटेज के साथ, लेकिन ये पूरी तरीके से उसी तरीके से का होता है। इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। ओके, ये इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बुन सकते हैं, बुनाई करके इसे स्वेटर बनाया जाता है, वैसे ये इसका यूज़ करके बना सकते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होता है ये सॉफ्ट होगा। ओके, सॉफ्ट होगा, लाइट वेट होगा, हल्का होगा जिसको हम बोल सकते हैं, गर्म होगा। ओके, जैसे कि ऊन होता है, सेम सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें भी पाई जाती है। ओके, ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर होता है जो हम लोग ऊन के जगह यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ ऊन। ओके, नेक्स्ट ये जो है रेजिस्टेंस होता है वेदरिंग का, ये इसका एडवांटेज है। ओके, ये जल्दी वेदर्ड यानी कि टूटता नहीं है। ओके, लेस एक्सपेंसिव होगा, सस्ता मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल ऊल, ऊल से सस्ता होता है ये। ओके, इसको नीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे से वॉश हो सकता है, जल्दी वॉश हो सकता है। ओके, मोर ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। ओके, और इस ये इंसेक्ट के काटे जाने से बचा रहता है, यानी कि इसको इंसेक्ट तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। ओके, अटैक नहीं कर सकते, जो कि उनमें अधिकतर देखने को मिलता है। यूजेस ऑफ एक्रिलिक की बात करें तो इसको स्वेटर बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, थ्रेड जो है इसका यूज़ करते हैं ऊन स्वेटर बनाने के लिए, जैसे कि उसका यूज़ होता है, ऊल का यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, सॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हल्का और गर्म होने की वजह से ये होता है। इसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पहला हम एडवांटेज की बात करेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, रिंकल्स रेजिस्टेंस होता है, यूजली वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ओके, ये जो होता है ये सस्ता मिलेगा। ओके, एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल वन, ये फाइबर्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं नेचुरल वन के कंपेयर करेंगे। लस्ट्रस होगा, चमकीला होगा, शाइनी होगा, हल्का होगा। ओके, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ओके, डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये नेचुरल फाइबर की तरह वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता है, इसलिए अनकंफर्टेबल फील होता है व्हाइल वेयरिंग इन द रेनी सीजन और समर सीजन। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी कि वी कांट वेयर दिस काइंड ऑफ फाइबर्स, मीन्स दिस मतलब इस फाइब्रिक का बना हुआ कोई भी हम लोग किचन वेयर नहीं पहन सकते, किचन में नहीं पहन सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ओके, ये जलेगा नहीं, ये मेल्ट होगा। ओके, इससे क्या होगा, इसका सेकंड डिसएडवांटेज उठ करके आता है कि ये मेल्ट होता है तो ये हमारे बॉडी से चिपक जाएगा। ओके, तो इट्स वेरी मच डेंजरस व्हाइल वेयरिंग इन किचन। ओके, सीवियर बर्निंग जिसको बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा अगर इफ़ इट इज़ हैपेंड। ओके, नेक्स्ट ये फाइबर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्रिलिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।